ब्राज़ील से इंपोर्ट की गई है और इस तरह की 4 क्रेन अवेलेबल हैं पूरे संसार में। तो सरेंद्र जी जो रेंट है जो पे कर रहा कॉन्ट्रैक्ट 1,40,00,000 रुपए पर मंथ पे कर रहा है और हमें 3-4 महीने की रिक्वायरमेंट और है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा, ये तो अभी आगे चला। तो अभी कितना वजन बताया आपने इसमें? 1,240 क्रेन का है और हाइट उसकी जा सकती है 210 मीटर। तो अभी कितने समय में पुल चालू हो जाएगा? आप 6 महीने मोटा मोटा। और अभी आपने बताया कि दिल्ली टूरिज्म के लिए भी इसमें कुछ कार्रवाई करने की आप लोग बता रहे हैं कि कुछ करेंगे इसमें भी ग्लास हाउस वगैरह? टूरिज्म के लिए गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जैसा होगा वैसा। तो क्या कुछ बनाया जाएगा उसमें टूरिज्म के लिए? ऊपर एक ग्लास हाउस बना रहे हैं 20 मीटर का, जिसमें आप खड़े हो इधर दो पहले ऊपर से पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं दिल्ली का। एक मिनट बताइए सर, लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं जो लगभग 1.5 से 2 मिनट में आपको नीचे से ऊपर तक ले जाए। तो कितनी ऊंचाई है इस टोटल हाइट है? तो क्या ये दिल्ली में सबसे ऊंचा है? इससे अलावा भी कई, इससे भी कई ऊंची पुल वगैरह हैं दिल्ली के? इससे ऊंचा सिर्फ टीवी टावर है 235 मीटर। तो विद्यासागर सेतु है एक कलकत्ता में, उससे भी ऊंचा है। और सी लिंक मतलब जितने भी अभी तक समुद्र के ऊपर सी लिंक वगैरह है या कलकत्ता में सबसे ऊंचा पुल ये बना, सबसे ऊंचा ब्रिज